इकबाल के नज़दीक चलने फिरने वाली हयात जो है दाब्बा, कुरान करीम में भी चलने फिरने वाली हयात को अलग से बयान किया गया है, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, और ज़मीन में कोई ऐसा चलने फिरने वाला नहीं जिसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह पर नहीं है। वही दाब्बा यानी चलने फिरने वाली हयात को इकबाल ने चार दर्जात में तकसीम किया है और कहा है जो सबसे निचले दर्जे पर हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, वो ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर रहने वाली मखलूक है, अंडर द लेयर ऑफ क्ले, और उनको कहा है इकबाल ने उनके समाज को, मतलब अर्जी पैवस्तगी का शिकार है वो, अर्थ रूटेडनेस का शिकार है, लाइक जैसे दरख्तों के रूट्स ज़मीन में हैं ऐसे उनके भी जड़ें ज़मीन में हैं क्योंकि वो ज़मीन में सुराख करके रहते, तो ये सबसे निचली है और इसके समाज को हम कहेंगे झुंड, या इसके समाज को हम कहेंगे स्वार्म्स, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ज़्यादा इसमें बेहतरीन है, फिर उससे दर्जा ऊपर है और वो भी रहते तो गारों में हैं लेकिन ज़मीन के ऊपर आ गए हैं, ज़मीन के अंदर सुराख करके वो नहीं रहते, और वो क्या हैं, वो हैं गैंग्स, उनके समाज को हम कहते हैं गैंग्स, दरिंदे यानी शेर, चीता, भेड़िए, फिर इस उससे एक दर्जा ऊपर, देखें ना दर्जात नीचे वाला है, फिर उससे ऊपर है, फिर उससे ऊपर, उससे एक दर्जा ऊपर जो लाइफ है वो गारों में नहीं रहती लेकिन वो ज़मीन के ऊपर चलती फिरती है, चौपाए, जैसे बकरी है, जैसे भैंस है, जैसे भेड़ है, गाय है, और ये ऊपर खुली आसमान के नीचे रहते हैं, तो ये एक और दर्जा ऊपर हो जाती है। फिर उसके बाद क्या है, चौथा दर्जा जो है वो फ्लॉक्स का है। अच्छा, इसको जो तीसरा दर्जा है इसको कहते हैं रेवड़, और इसकी इंग्लिश करेंगे हम ड्रोव्स, और जो इससे ऊपर का दर्जा है उसको हम कहेंगे फ्लॉक्स, परिंदे जो सरों के ऊपर उड़ते हैं। तो इकबाल जब इनको हयात के इन चलती फिरती हयात के इन दर्जात का मुताला करता है अपने अंदाज में, तो इकबाल क्या कहता है, इकबाल कहता है कि जो चींटी और उकाब वाली पोएम में देखें, मैं पाए चींटी कहती है उकाब से, मैं पाए मालो ख्वारो जबू हालो दर्द मंद, तेरा मकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद। यानी यहाँ पे जो चींटी, इसी तरह इकबाल ने परिंदों, पौधों, जानवरों, हयात अर्जी को खूब स्टडी करते हुए बहुत से अशार भी कहे और अपनी नसर में भी इसी मौजू पर, जिसको अर्जी पैवस्तगी या अर्थ रूटेडनेस कहते हैं, इकबाल ने मुतअद्दद, बल्कि ये इकबाल का मेन फ़लसफ़ा है। अच्छा, अब इकबाल इनमें क्या चीज़ देखता है, अगर आप इकबाल को के मिजाज शनास हैं, आपको कई साल हो गए इकबाल को पढ़ते हुए, उसके साथ रहते हुए, तो आपको पता चलता है कि इकबाल इनमें दो चीज़ें देखता है, शहवत और इश्तहा। यानी जो कीड़े मकोड़े हैं वो बेतहाशा बच्चे पैदा करते हैं और उनको ज़मीन में फैला देते हैं और अपने बच्चों को भूल जाते हैं, ये उनकी शहवत है, और उनका इश्तहा ये है कि वो माल जमा करते हैं, वो स्टॉकिस्ट सोसाइटी हैं, वो ज़खीरा अंदोज़ हैं। मतलब आप देखें ना चींटियाँ क्या करती हैं, चींटियाँ विक्चुअल्स के हीप्स जमा कर देती हैं अंडर द अर्थ। आपको याद होगा कि वो बचपन में, तुम्हें याद नहीं होगा, हमारे बचपन में स्कूल में पहली दूसरी तीसरी जमात में एक नज़्म होती थी और उस नज़्म में एक बुलबुल थी और एक चींटी, दोनों आपस में बातें करते हैं, तो चींटी बुलबुल को मशवरा देती है कि तू जो है ना बाहर में गाने मत गाया कर, गीत मत गाया कर, क्योंकि इससे तू वक्त ज़ाया करता है, तू जमा किया कर माल कल के लिए, क्योंकि कल सर्दियाँ आएंगी, जाड़ा आएगा, और जब ये मौसम आया तो तू क्या करेगा, तो भूखा मर जाएगा। वो कहता नहीं, मैं गाऊंगा, और फिर वो मौसम गुजर जाता है और सर्दियाँ आ जाती हैं, तो जब वो भूखा मरने लगता है तो चींटी के दरवाजे पे जाता है और चींटी से कहता है कि मैं भूखा मर रहा हूँ, मुझे कुछ दाने दे दो, तो चींटी उसे याद दिलाती है कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तू जो है ना इस तरह के गीत मत गाया कर, वक्त ज़ाया किया कर। अब ये जो पोएम है इकबाल के नज़र में ये गलत पोएम है, यानी इकबाल इसको रिजेक्ट करता है, वो इसको कहता है ये ज़खीरांदोज़ सोसाइटी की तर्जुमान है, ये स्टॉकिस्ट ह्यूमन नेचर की तर्जुमान है, हमें ज़खीरा नहीं करना, हमें गाने गाने हैं, चाहे वो वक्त थोड़ा है तब भी हमें इस खूबसूरत ज़िंदगी को, इस दुनिया की ज़िंदगी को गीत गाकर और अपने अंदर के जज्बात को का इजहार करके गुजारना है और माल जमा नहीं करना। सो ये वाली थॉट जो है इसको मैं अर्जी पैवस्तगी कह रहा हूँ। तो दो चीज़ों की इकबाल स्टडी करता है इनमें। अब स्वार्म्स में इकबाल ने स्टडी की किस तरह से वो बच्चों को फैला देते हैं और भूल जाते हैं अपनी औलादों को, और किस तरह से वो माल जमा करते हैं, फिर उससे ऊपर गैंग्स हैं,
अब गैंग्स दरिंदे हैं, दरिंदों में ये आपने नेशनल ज्योग्राफिक पे भी देखा होगा, हैवानी हैवानियात के माहरीन जानते हैं ये बात कि दरिंदों में गौल का एक सरदार होता है। मसलन भेड़ियों का हम गौल ले लेते हैं एग्जांपल में, तो उसका एक सरदार होता है और जब तक वो सरदार सरदार है तब तक गौल की किसी भी फीमेल के साथ कोई मेल जो है वो मेटिंग नहीं कर सकता। हर बच्चा उस सरदार का अपना बच्चा होगा, यानी दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक इन इन द सोसाइटीज ऑफ अर्थली लाइफ। क्यों यूनिक है ये चीज़? इसलिए कि उसे अपना गौल कायम रखने के लिए हर एक को ये बावर कराना है मेंबर ऑफ गैंग को कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो जैसे फिल्मों में नहीं कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, और वो मारता भी है, वो उसको सजा भी देता है जब कोई मेल फीमेल किसी उसकी इजाज़त के बगैर किसी फीमेल के नज़दीक। गैरत का नज़रिया है उनमें, उन्होंने अपना गौल कबीला ख़ानदान कायम रखना है, वो आउटसाइडर का ब्लड नहीं इसमें यूज़ कर सकते। उन्होंने उसको ह्यूमन नेचर पे अप्लाई करके देखें तो वो एक ऐसा मतलब एक वो कौम होगी, वो फासिस्ट कौम होगी। वो जो ह्यूमन नेचर पे अप्लाई करोगे तो वो एक ऐसी कौम होगी जैसे जो दूसरे आउटसाइडर का ब्लड अपने ब्लड में शामिल करने नहीं देना चाहते। इसी तरह उनका जो खुराक का ग़िज़ा का निज़ाम है उसमें वो चौपायों को खाते हैं, उनको मारते हैं, उनके आस पास ब्लॉकेट करते हैं, उनको घेर लेते हैं और फिर उनको इकट्ठे होकर मारते हैं। उनमें खूबियाँ भी हैं, वो जब भी रिजा तलाश करते हैं तो इकट्ठे होकर करते हैं। सो ये क्या है, ये गैंग्स की लाइफ की दोनों चीज़ें, इश्तहा और शहवत की स्टडी है, और फिर ड्रोव्स की जो लाइफ है। अब देखें गैंग्स में हमने देखा, अच्छा गैंग्स में दो गैंग्स मिक्स होकर नहीं चल सकते। आपने कभी नहीं नेशनल ज्योग्राफिक पे या देखा सुना देखा होगा कि भेड़ियों का एक गौल है उसके अंदर शेरों का गौल मिक्स है और उसके अंदर किसी और दरिंदे का गौल मिक्स है और वो सारे एक भेड़िया एक शेर ऐसे चल रहे हैं। पॉसिबल नहीं है। लाइफ और ज़्यादा तरक्की करती है तीसरे दर्जे में, रेवड़ जहाँ पे है, जहाँ पे ड्रोव है। आप देखें कि उनमें गाय भैंस बकरी भेड़ ऊंट सब जो है वो इकट्ठे चल सकते हैं, उनको एक दूसरे के साथ गौल वाला मसला नहीं है, ना ही उनका गैरत वाला वो मसला है। यानी एक मेल गोट और एक फीमेल गोट जो है उनको ये उनकी ये शिद्दत नहीं है आपस में शादी की, आपस में गैरत का मियार। इसी तरह उनमें खामियां भी हैं खूबियां भी हैं, ये लाइफ का तीसरा स्टेज है। तो इकबाल ऐसे दर्जा बदर्जा बरदर्जा बुलंद होते हुए समाजी यानी जो समाज की जो अखलाकियात है वो जानवरों की देखता है, और फिर आखिर में इकबाल परिंदों की जब बात करता है बड़े दीवानावार और बड़े आशिकाना और बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में कि देखो ना वो जैसे जैसे ज़मीन की ग्रेविटी से उठते चले गए उनमें एनर्जी लेवल बढ़ता गया है और उनमें लाइफ में समाजी जो मेयारात हैं जो अखलाकियात है वो बेहतर होती चली गई है। परिंदों में अगर शहवत और इश्तहा की स्टडी करें तो परिंदे जोड़ा जोड़ा बना कर रहते हैं, वो ऐसे मिक्स नहीं है या वो भूल नहीं जाते अपने जोड़े को चौपायों की तरह से, बल्कि वो जोड़े बना कर रहते हैं यूनिट्स में। आप 10 कबूतर और 10 कबूतरियाँ इकट्ठे छोड़ दें वो 2 घंटे में जोड़ा जोड़ा हो जाएंगे, और फिर वो दरख्तों पर घोंसला बनाते हैं तो उनमें इक्वल राइट्स हैं मेल फीमेल के लिए। मेल भी अंडे पे बैठता है, फीमेल भी अंडे पे बैठती है, मेल भी उस घर के लिए तिनके चुनता है, फीमेल भी चुनती है, मेल भी बच्चों को दाना मुंह में चुगवाता है, फीमेल भी चुगवाती है। यानी दे फील इक्वल बर्डन ऑन देयर शोल्डर्स फॉर देयर यूनिट ऑफ सोसाइटी। सो ये उनकी अच्छा फिर जितने भी निचले दर्जात हैं यानी स्वार्म्स और गैंग्स और ड्रोव्स, उनमें जो मेटिंग के लिए एक दूसरे को कॉल ली जाती है मेल फीमेल की, उस कॉल में स्मेल जो है वो एक मैसेंजर है, वो स्मेल के ज़रिए पहचानते हैं कि कब मेटिंग सीजन है। लेकिन पौधों में सिंगिंग सॉन्ग्स व्हाट अ ब्यूटी, वो गाना गा के वो बुला के अपने मेट को, यानी ये एक जन्नत का कंसेप्ट बनता जा रहा है इसमें। तो जो जो ज़मीन से हयात ऊपर उठती है उसमें समाजी ब्यूटी पैदा हो जाती है, उसमें एक सोशल बैलेंस और एक उनमें अच्छा। फिर इकबाल हर दर्जे में भी मुख्तलिफ स्पीशीज़ को देखता है कि उनमें भी जैसे पौधों को परिंदों को पौधों को देख लें या चौपायों वगैरह को देख लें, लेकिन हम अपना वक्त बचाने के लिए अगर सिर्फ परिंदों को देखें तो इकबाल परिंदों के मुख्तलिफ मुर्गे सहराई अलग है, मुर्गे शाहीन अलग है। अब इकबाल की वो नज़्म मैं आपको बताऊँ ना जिसमें अबुल अला मुअर्री उस नज़्म का उनवान है कि कहते हैं कभी गोश्त न खाता था मुअर्री,
फल फूल पे करता था हमेशा गुजर औकात। एक दोस्त ने भुना हुआ तीतर उसे भेजा, शायद के वो शातिर इसी तरकीब से हो मात। ये ख्वाने तरो ताज़ा मुर्री ने जो देखा, कहने लगा वो साहेब गुफरान और लजू मात। ये ख्वाने तरो ताज़ा मुर्री ने जो देखा, ख्वाने तरो ताज़ा तीतर था ना भुना हुआ, उसको ऐसे टांग से पकड़ा हुआ होगा मैं इमेजिन करता हूँ, और ऐसे करके देख रहा होगा। और ये ख्वाने तरो ताज़ा मुर्री ने जो देखा, कहने लगा वो साहेब गुफरान और लजूमात। ये मुर्री की किताबें हैं, गुफरान और लजूमात, तो किताबों का लिखने वाला साहेब गुफरान और लजू। ए मुर्ग के बेचारा, ज़रा ये तो बता तू, तेरा वो गुनाह क्या था है ये जिसकी मकाफात। अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आँख ने फितरत के इशारात। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजा। तो यहाँ आपने देखा कि शाहीन और तीतर के दरमियान भी इकबाल ने यही हाइट का फ़र्क रखा है, और जब शाहीन पे इकबाल पहुँच जाता है तो कहता है ये समाजी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन नमूना है, और इसमें चारों दर्जात मिक्स हो जाते हैं, और उनमें मिक्स होने के बावजूद ब्यूटी जो है, समाजी बैलेंस जो है, वो उरूज पे चला जाता है। और दुनियावी ज़िंदगी शाहीन के लिए कितने दर्जे रखती है कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना, क्योंकि वो अर्थ के नज़दीक नहीं रहा, तो अब उसकी लाइफ की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो गया। सो इस तरह से इकबाल एक थीरी पेश करते हैं जिसको मैंने नाम दिया है थीरी ऑफ एलिवेशन, और नज़रिया इकबाल का नज़रिया है इरतफा, बमुकाबलतन डार्विन का नज़रिया है इरतका। सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल थीरी, यू शुड स्टडी दैट।